देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। जोधपुर शहर के वेस्ट पटेल नगर में एक साथ एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। चारों से सूर्य अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 201 में मिले। सर्किट हाउस रोड पर स्थित सूर्य अपार्टमेंट में रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी ने अपने पत्नी और दो बच्चियों की कीटनाशक खिलाकर या गला घोटकर हत्या करने के बाद खुद ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर FSL टीम और फोटोग्राफर मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक तौर पर मिली सूचना के अनुसार सर्किट हाउस रोड पर बनी सूर्य अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट नंबर 201 में रहने वाले और घंटाघर में कपड़े का व्यापार करने वाले दीनदयाल पत्नी सरोज पुत्रिया हिरल तानवी के साथ रहता था। आज सुबह 12 बजे तक उसके परिवार में हलचल नहीं होने पर इसका भाई मौके पर पहुंचा और दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो दीनदयाल फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और माँ बेटियां जमीन पर पड़ी थी और चारों की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही रतनड़ा थानाधिकारी लीला राम ACP दर्जा राम ADCP भागचंद मौके पर पहुंचे। शहर में परिवार की मौत की सूचना पर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने बताया कि फ्लैट में कुछ दवाइयों के खाली पैकेट मिले, तब पता लगाया जा रहा है कि वे टैबलेट कहां के थे। पुलिस ने मौका हालात और अनुसंधान के बाद चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुँचाया। देखिए रातनाडा थाना क्षेत्र एरिया में आज चार लोगों का मृत्यु का बात सामने आया है सर। अभी मौका मुआयना किया है, FSL टीम को बुलाया हुआ है और उसमें जो घर का मुख्य आदमी है वो कपड़े का व्यापार घंटाघर क्षेत्र में करते थे सर। अभी बाकी छानबीन कर रहे हैं कैसे क्या घटना हुआ है उसका पता रेसी किया है। सर किन परिस्थितियों में शव मिले हैं यहाँ पे, जो अंदर क्या हालात थे? जो ये इनका घर से सुबह नॉर्मली जो पड़ोसी से बात होते थे और आज सुबह वहाँ घर से कोई आवाज़ नहीं आया, किचन में वहाँ देखे नहीं है, इसलिए पड़ोसी को लगा है कि कुछ सस्पिशियस लगा है, तो उन्होंने उनके रिश्तेदार को फ़ोन किया है और मृतक का जो भाई और बाकी रिश्तेदार यहाँ आके खोलने का प्रयास किया तो अंदर से आवाज़ नहीं आ रहा, वो खोल के देखे थे। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखो एक व्यक्ति का हैंगिंग दिख रहा है और बाकी तीन जो महिलाएं हैं बच्चे बच्चियां हैं उनका डेड बॉडी अलग दिखाई दिया है। उसके बारे में FSL जांच और बाकी बात जैसे जो जांच करेगा उसे। अभी कुछ टैबलेट्स का जो खाली कवर रैपर मिला है सर, इससे क्या ये कोई क्या चीज़ का गोलियां हैं कैसे हैं उसका भी पता रहे। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ TV इंडिया पर।